नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस स्पीक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में ISC-2 यानी इंडियन नेवी के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक न्यूज काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है कि इंडिया अपने सेकेंड इंडिजिनियस कैरियर के ऊपर काम शुरू कर चुका है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के दिल्ली में दिए गए एक स्पीच से निकल के सामने आया है, जहां उनके द्वारा दो बात को क्लियर किया गया है, जिसमें INS विक्रांत के ऊपर बात करते हुए उनके द्वारा ये कहा गया है कि विक्रांत सितंबर 2022 में ही कमीशन्ड हो चुका है और सेकेंड इंडिजिनियस कैरियर के ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इस स्पीच में रक्षा मंत्री द्वारा बेसिकली किस बात को कहा गया था। तो फ्रेंड्स, अगर राजनाथ सिंह के इस स्पीच की बात करें तो इस स्पीच में से ये तो क्लियर है कि इंडियन नेवी और गवर्नमेंट थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कुछ स्टेप्स आगे बढ़ चुके हैं, मगर इसमें से ये क्लियर नहीं है कि क्या इंडिया ISC-2 के ऊपर काम शुरू कर चुका है या फिर अभी नवी गवर्नमेंट के साथ बात कर रहा है ISC-2 को लेकर। तो पॉसिबिलिटी तो फिलहाल इन्हीं दो पॉइंट्स में है कि एक तो इंडिया ISC-2 के ऊपर काम शुरू कर चुका है या फिर नेवी की तरफ से गवर्नमेंट को ISC-2 के लिए पुश किया जा रहा है। तो अगर बात करें पॉसिबिलिटी की, तो ISC-2 के ऊपर आए पिछले कुछ दिनों के रिपोर्ट्स को देखें तो लास्ट वीक में ही इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार एक मीडिया इंटरव्यू में इस बात को बताया था कि इंडियन नेवी विक्रांत के क्लास का ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर को प्लान कर रहा है, जो कि बेसिकली होगा तो विक्रांत के जैसा ही, मगर यह कैरियर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ तो नेवी चीफ के द्वारा इस इंटरव्यू में बताई गई बातें और फिर डिफेंस मिनिस्टर का यह स्पीच, इन सबको देखकर लगता तो है कि एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रहा है ISC-2 के ऊपर। और आप अगर इन रिसेंट रिपोर्ट्स को मान के चले और नेवी चीफ के इस मॉडिफिकेशन की बात को कोट करें, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी क्रिएट होता है कि इंडियन नेवी इस बार एक फ्लैट टॉप कैरियर के साथ जाने वाला है, जो कि बेसिकली होगा तो विक्रांत के सेम क्लास 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला ही, मगर इसमें स्की जंप के बजाय कैटापुल्ट सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। तो मेरे ओपिनियन की अगर बात करें तो ये एक बिल्कुल सही अप्रोच है, क्योंकि फिलहाल इंडिया के पास वो सारे टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि एक फ्लैट टॉप कैरियर को डेवलप करने के लिए जरूरी है। कोचिन शिपयार्ड के पास विक्रांत को डेवलप करने के बाद इंफ्रा और एक्सपीरियंस तो है ही, और कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट भी सामने आया था कि BEL DRDO के साथ मिलकर एक इमाल सिस्टम को डेवलप कर रहा है, जिसके ऊपर एक फोटो भी निकल के सामने आया था। इसके अलावा USA की तरफ से जनरल एटॉमिक्स भी कल्याणी डिफेंस के साथ एक MOU को साइन किया है इंडिया को इमाल सप्लाई करने के लिए, और यही इमाल कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम में सबसे एडवांस और रिलायबल सिस्टम माना जाता है। बेसिकली कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम में दो तरह के लॉन्चिंग सिस्टम मौजूद है, जिसमें एक तो है स्टीम कैटापुल्ट जो कि USA के कैरियर्स में यूज होता है, और दूसरा है इमार्स जो कि आप चाइनीज टाइप 003 में देख पाएंगे। तो अभी तक ये तो जरूर क्लियर नहीं है कि ISC-2 के ऊपर काम शुरू हो चुका है या अभी ये नेगोशिएशन फेज में ही है, मगर इन रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये जरूर श्योर है कि इंडियन नेवी थर्ड कैरियर के ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर डायलॉग काफी एडवांस स्टेज पे चल रहा है, और ये नेवी का बिल्कुल सही स्टेप होगा अगर नेवी एक फ्लैट टॉप कैरियर के ऊपर जाता है, क्योंकि एक तो कोचिन शिपयार्ड 5 ईयर्स के अंदर ही शिप को डिलीवर कर देगा, और साथ ही हम फ्यूचर के सुपर करियर के लिए कुछ और एक्सपीरियंस को भी अचीव कर लेंगे। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।